हो जो अज कलंधर गजन गए। जब फर्स्ट टाइम जफर भाई से मुलाकात हुई थी तो मैंने जफर भाई की सिर्फ यही कहा था कि मैं मोहब्बत का सिकंदर था, मुकद्दर का कलंदर आज मुझे मिला। और आप ये देखें कि बिलीवेबिलिटी का ही आलम था कि जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट को बिलीव किया, बावजूद पैशन के, बावजूद इस बात के कि लोग हमें ये कहते रहे कि ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, ये ढोल तमाशे करते हैं, ये लाहौर को नहीं जिताना चाहते, हमने प्रोसेस पे बिलीव किया, हमने इस बात को बिलीव किया कि ईमान और सच्चाई के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं उसको कोई झोल नहीं आने देते तो अल्लाह मियाँ जो है सक्सेस ज़रूर दे रहे। सो वो उस प्रोसेस में हमें 6 से 7 साल लगे और आइसिंग ऑन द केक ये हुआ कि मुकद्दर का कलंदर हमें मिल गया। सारे फैंस को, सारे बीओपी के सपोर्ट स्टाफ को, सारे बीओपी के कस्टमर्स को कलंदर्स का साथ। आज की जो जीत है वो सारे बातों भाई को जाती है और किसी को नहीं। ये इनकी कमिटमेंट है पिछले 7 सालों की जिसने आज जो है वो ये फ्रूट की है। हमने तो जिस तरह इनको सपोर्ट कर सकते थे वो सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। बाज़ औक़ात जब खर्चा होता है जेब से तो लोग ज़्यादा खुश नहीं होते, मगर ये वो खर्चा है जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि आज जो हमने टीम के लिए 10 मिलियन रुपये अनाउंस किए थे वो हम इंशाल्लाह ताला टीम को रिवॉर्ड करेंगे। एक तकरीब की सूरत में रिवॉर्ड करेंगे लेकिन आज वो कमिटमेंट भी पूरी हो गई। टीम को हम वो 1 करोड़ रुपए देंगे और उसके अलावा मैं आतिफ भाई से ये भी मैंने कमिटमेंट कर ली है कि हम अपनी पार्टनरशिप जो है ये कम अज कम 3 साल के लिए हम साथ चलेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और इंशाल्लाह इस तरह ही जीत जो है वो हमारी मुकद्दर बनेगी अगर हम सिंसियरिटी के साथ काम करते रहे। मुकद्दर का कलंदर हूँ, मोहब्बत का सिकंदर हूँ, मैं जीतूं या मैं हारूं सुन लो मैं हर दिल के अंदर हूँ, मैं जीतूं या मैं हारूं सुन लो।